मेरे पास सैकड़ों की संख्या में पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली प्राचीन किताबें हैं, जो लगभग 60-70-80 साल पुरानी किताबें हैं। ऐसे ऐसे फार्मूले हैं उन किताबों में, जिनका उपयोग करके आप अपने पशुओं की सभी तरह की बीमारियों का इलाज पारंपरिक तरीके से अपने घर पे कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, दो मिनट का ये वीडियो अगर आप पशुपालन का कार्य करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, हमारे पास सदियों पुरानी कुछ किताबें हैं जो पशु चिकित्सा में उपयोग होती हैं, और समय समय पे मैं इन किताबों का पीडीएफ में परिवर्तन करवा रहा हूँ, और पीडीएफ में परिवर्तन करवा के ये किताबें मैं पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों को ये किताबें हम अपनी तरफ से भेंट स्वरूप दे रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप गौ माता का पालन करते हैं, आप भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी जानवर रखते हैं, उसकी चिकित्सा आप अपने हाथों से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनुभव चाहिए। अनुभव कहाँ से आता है? अनुभव मिलेगा किताबों से। हम बचपन में जब पढ़ते थे तो हमारे गुरु कहते थे कि तरक्की का रास्ता किताबों से मिलता है। मुझे भी तरक्की का रास्ता इन किताबों से मिला। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली प्राचीन किताबें हैं, जो लगभग 60-70-80 साल पुरानी किताबें हैं। ऐसे ऐसे फार्मूले हैं उन किताबों में, जिनका उपयोग करके आप अपने पशुओं की सभी तरह की बीमारियों का इलाज पारंपरिक तरीके से अपने घर पे कर सकते हैं। हमने इसी तरह का एक किताब का पीडीएफ आपको कुछ दिन पहले भी उपलब्ध करवाया था, एक पीडीएफ आज हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, और मेरे पास जितनी भी किताबें हैं मैं इन सभी का पीडीएफ वर्जन तैयार करवाने लग रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान का कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के मोबाइल पे भेज रहा हूँ। आप इस ज्ञान को अर्जित कीजिए, आप इन किताबों को पढ़िए। आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सैकड़ों साल से हमारे बड़े बुजुर्ग अपने पशुओं का इलाज कैसे पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं, और आप भी अपने घर पे अपने पशुओं का इसी तरीके से इलाज करें। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपने लाखों लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचाया तो मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों को पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं इन किताबों की। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सैकड़ों वर्षों पुरानी ये किताबें हैं, ऐसी ऐसी किताबें हैं। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये देखिए, अगर हमने थोड़ा सा भी इस किताब के पन्ने को भी ऐसे किया तो ये देखिए इसके पन्ने भी गलने लग रहे हैं। इतनी पुरानी पुरानी किताबें हैं हमारे पास, जिनका हम पीडीएफ तैयार करवा के फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये अपील है, अपने छोटे भाई की एक अपील मानना, इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा हिंदुस्तान का, हमारा अपना, हमारे बुजुर्गों का प्राचीन, विलुप्त होता हमारा प्राचीन ज्ञान विलुप्ति की कगार पे आज जो खड़ा है वो विलुप्त होने से बचे। तो इस वीडियो को आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ नहीं दूंगा, और भविष्य में मैं सैकड़ों पीडीएफ जो तैयार करवाने जा रहा हूं, मेरे पास कुछ इस तरह की भी किताबें उपलब्ध हैं कि धरती पर मिलने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी पेड़ पौधों का पूरा विवरण, उनके नाम, गुण, धर्म, उनके कर्म, उनके उपयोगिता, कौन सी बीमारी में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, वो भी किताबें मेरे पास हैं। उनका भी मैं पीडीएफ तैयार करवाने लग रहा हूँ, वो भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपको ये किताबें, ये पीडीएफ तभी मिलेंगी जब आप इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाएँगे। दोस्तों, हाथ जोड़ के अपील है कि मुझे आपसे पीडीएफ का एक पैसा भी नहीं चाहिए, एक नया पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन वीडियो को आप शेयर करें। जब तक 10,000 शेयर इस वीडियो के नहीं हो जाएं, मैं आप लोगों तक पीडीएफ पहुंचाने में असमर्थ रहूंगा। बस आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, अपील है, रिक्वेस्ट है, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगा, एक रुपया नहीं चाहिए मुझे इन किताबों का, एक रुपया नहीं चाहिए। पीडीएफ के जो पैसे लगेंगे वो हमारे लगेंगे, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचेंगे, लेकिन ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुँचना चाहिए। जैसे ही 10,000 शेयर हो जाएंगे इस वीडियो के, हम आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, उस मैसेज के ऊपर आप लिखिए पशु चिकित्सा पीडीएफ, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी।
इस पीडीएफ की पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको इस पीडीएफ को दिखाना भी चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि पशु चिकित्सा हमारी प्राचीन तरीके से, हमारी पारंपरिक तरीके से कितनी आसान थी। तो जो पीडीएफ हमारे पास तैयार है उस पीडीएफ के बारे में मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है सर्दी खांसी नमूनिया। अगर आपके पशु को कभी सर्दी खांसी नमूनिया हो जाए तो सिर्फ गोल मिर्च, कबाब, चीनी, सौंठ और जष्टी मधु, इनको आप कूट के अपने पशु को दीजिए, आपके पशु ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह की आसान सी चिकित्सा आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पशुओं को जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी का इलाज इन किताबों में छुपा हुआ है, जो मैं आपको पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रहा हूँ। एक बार फिर से अपील है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।